ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट 2012 में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और आपको कोर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। तो एक शिक्षक है जो प्रश्न पत्र तैयार किए हैं और प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है, क्या ये जो है हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, जो मैं परीक्षण करना चाह रहा हूँ, जो मैं मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, वैधता प्रश्नों के प्रकार, उसके बाद है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना और विश्वसनीयता। तो दोस्तों, जब भी टेस्ट लिया जाता है तो संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखकर टेस्ट लिया जाता है और रिमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण करने का तकनीक यह है कि शिक्षक जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसका उद्देश्य, सर्वोपरि उद्देश्य ये होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु की टेस्ट लिया जाए कि बच्चों ने कितना समझा है, बच्चों की समझ कितना विकसित हुआ है और कितनी कमी रह गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर दो है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो ऑप्शन में जब भी हमेशा की बात करें और एक किसी पॉइंट को इंडिकेट करें तो ऐसा नहीं है, जो कक्षा का नियम है उसको ही सिर्फ पालन नहीं करना है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तो ये गलत है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से तर्क करनी चाहिए, वितर्क करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। तो ये बात गलत है, बच्चे जो हैं विद्यालय में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, विद्यालय के बाहर सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, तो सीखने की क्रिया जो होती है हर जगह होती है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, शिक्षार्थियों ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, चाहे वो विद्यालय स्तर पर, परिवार स्तर पर, समाज स्तर पर, जो उनके पास अपना अनुभव है वही सबसे अच्छा है और उसी के हेल्प से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका मानसिक विकास करते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है अस्थाई बना रहता है। तो हम बच्चों के अनुभव को विशेष महत्व देंगे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है चार है। नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं कि आकलन बहुत किफायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, वह परीक्षकों के अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, जो बाह्य मूल्यांकन होता है, जो बाह्य परीक्षण होता है, जो बाह्य आकलन होता है, उससे बेहतर आपके कक्षा के जो शिक्षक है, आपके विद्यालय के जो शिक्षक है, वो आपके बारे में बेहतर जानते हैं। अगर उनके द्वारा आपका मूल्यांकन होता है तो वो मूल्यांकन करने के बाद आपकी जो समस्या है यानी कि स्टूडेंट की जो समस्या है उसको शिक्षक जो है दूर भी करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, बच्चे की क्षमता को जानते हैं। तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शन जो है करेक्ट बन पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जो उसका है दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता
प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं, हर बच्चे का अपना स्वभाव अलग अलग है, सबका पर्सनालिटी जो है अलग अलग है, अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः शिक्षक को, यानी कि आप एक शिक्षक के रूप में हैं और हर बच्चे का सोचने का पढ़ने का तरीका जो है अलग अलग है, तो आप उसमें क्या करेंगे? ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों एक समान गति पर, मतलब एक तरीके से बच्चों को आप नहीं पढ़ाने पर बल देना चाहिए। दोस्तों आप ध्यान रखें कि कभी भी एक या केवल ऑप्शन में रहे शब्द, तो उस वो कभी भी आंसर नहीं होता है, उसको एकदम छांट के आप चले। तो आप जो है विविध तरीके से गतिविधि कराकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक गतिविधि या एक समान सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को जो आप पढ़ा रहे होंगे तो विभिन्न विधि जो है उन सभी का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों को उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ये जो है राइट आंसर जो है यहीं पर है। और नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर जो है आपका दो है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, इसलिए राइट आंसर जो इसका है दो है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा देखने को ही मिलता है आपको कि वाइगोत्स्की बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की जो है निकट विकास का सिद्धांत, यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इनका कहना है कि बच्चों को अगर शिक्षा देना है, अगर उनको विकसित करना है, उनका ज्ञान का विकास करना है, तो ये जो है सिर्फ समाज से ही संभव है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक नोट डाउन करके रख सकते हैं, एकदम ट्रिक के रूप में इसको याद कर सकते हैं कि जब भी आपसे वाइगोत्स्की पूछा जाए और ऑप्शन में समाज हो तो आप उसे टिक करके आए, सिर्फ क्वेश्चन निगेटिव ना हो, इसमें नहीं शब्द लगा रहता तो ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वाइगोत्स्की यहाँ पे पूछा जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए समाज यहाँ पे राइट आंसर है। सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोत्स्की ने किया है, आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और इसको भी ध्यान रखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD ये भी वाइगोत्स्की का ही दिया हुआ है। इनका कहना है कि बच्चे जो हैं रट कर नहीं सीख सकते हैं, बच्चे जो है अपने अनुभव के आधार पर समाज में अपने ज्ञान का विकास करते हैं, सृजन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है एक है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग कर रही है एक शिक्षिका, बच्चों को शिक्षित करने के लिए अधिगम शैली का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों के आधार पे कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका ये है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, याद रखेंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर के द्वारा दिया गया है, और इनका कहना है कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का विकास विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करके विभिन्न तरह से अपने ज्ञान का विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षिका काम कर रही है, यानी कि विभिन्न तरीकों से बच्चों को पढ़ा रही है, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांतों का पालन कर रही है। यहाँ पे आप लोग तो याद रख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन प्याजे का है, और इसे बौद्धिक सिद्धांत भी कहते हैं और मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, याद आप रख सकते हैं। वहीं पे कोहलबर्ग
के बारे में आप याद रखें कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का दिया हुआ है। वहीं पे दोस्तों देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है और अभी आप जस्ट आपने यहाँ पर सोल्व किया है वाइगोत्स्की, और आपको हमने बताया है कि जब भी वाइगोत्स्की हो तो समाज या संस्कृति या समाज या संस्कृति दोनों में से तीनों में से कोई भी हो तो उसे आप टिक लगा दें। दोस्तों देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो आप इन चारों को याद रखेंगे। साथ में दोस्तों अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके मन में, कोई प्रश्न है तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएँ और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो शिक्षण की तरीका जो है ये द बेस्ट है। अगर बच्चों को समूह चर्चा से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, सहयोगात्मक तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा बोर फील नहीं करता है, बच्चे जो है ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं उसको जो है जल्द से जल्द सीख लेते हैं और हंसते खेलते बच्चे जो हैं सीख लेते हैं। तो ये जो तरीका है जो शिक्षिका अपनाए रही है ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं सक्रिय भागीदारिता पर, बिल्कुल यहाँ पर जो है बच्चे समूह में सक्रिय अपनी सहभागिता निभा कर किसी चीज़ को, किसी पाठ को, किसी क्रियाकलाप को सीख रहे हैं, सहयोगात्मक विधि से सीख रहे हैं, तो ये जो अधिगम शैली होगी ये बेहतर होगा और बच्चे जो है इसमें सीखने में रुचि भी लेंगे। तो इसलिए राइट आंसर जो है एक ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि शिक्षक को प्रभावित करता है, शिक्षक से रिलेटेड है। ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं विषय वस्तु में प्रवीणता, बिल्कुल शिक्षक जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान उनके पास होना चाहिए, वो प्रवीण होना चाहिए उस विषय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठने की उचित व्यवस्था, तो ये तो है नहीं। उसके बाद शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, उसके बाद विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो यहाँ पर जो है जिस विषय को शिक्षक पढ़ाते हैं उस विषय में अगर उनका ज्ञान जो है तो बच्चों को इजी वे में पढ़ा सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैथ के टीचर हो और संस्कृत पढ़ा रहे हो तो क्या वो एक प्रवीण शिक्षक कहला सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो संस्कृत के शिक्षक होंगे वो संस्कृत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में वो प्रवीण होना चाहिए और ज्ञानवान होना चाहिए, तब जाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन बच्चों के व्यक्तिगत सीखने को भी महत्व यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो है एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है यह दर्शाता है, यानी कि एकल गायन प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पर जो है एक विद्यालय जो है लड़कियों को अधिक महत्व दे रहे हैं, यानी कि लड़कियों और लड़कों में भेदभाव यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गायन प्रतियोगिता में लड़कियां ही भाग ले सकती हैं, लड़के भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लैंगिक पूर्वाग्रह हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा लैंगिक पूर्वाग्रह।
दस नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना, दस नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण का सबसे, दस नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी तरीका है, यानी कि बच्चों में बीज के अंकुरण की ज्ञान विकसित करनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा पद्धति क्या है, ये आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, विस्तृत व्याख्या, ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं विस्तृत व्याख्यान, ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं विस्तृत व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी कि बच्चों में बीजों के अंकुरण ज्ञान विकसित करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी कि बच्चों में बीजों की अंकुरण संकल्पना को समझाना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है। देखते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यानी कि बच्चों के द्वारा आप पौधे की बीज को बोने के लिए कहिए और बीज जैसे जैसे बड़ी होती है, यानी कि उसमें अंकुरण होता है, पौधा, वो अंकुरण के बाद पत्ता बनता है, पौधा बनता है, फिर फल लगता है, तो उन सारे स्टेप को जब बच्चे अवलोकन करेंगे, खुद से करके सीखेंगे तो वो ज्ञान जो होगी अस्थाई होगी, तो और बच्चों में बीज के अंकुरण की ज्ञान भी विकसित होगी कि किस तरह से बीज जो है अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है इसका दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि हमारे समाज में ऐसा सोच है कि बच्चा फेल कर रहा है इसका मतलब है कि बच्चा कमजोर है, जो कि हम लोग विपरीत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ने के योग्य हैं, उनको वैसी माहौल चाहिए, वैसे शिक्षक चाहिए, अच्छी बुक चाहिए, मिलेंगे तो बच्चे जो हैं बिल्कुल पढ़ेंगे, तो ये जो है ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, तो ये गलत है, बच्चे तभी अच्छे तरीके से करेंगे जब अच्छे तरीके से सीख लेंगे। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, तो विद्यालय की क्या जरूरत है, जब प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए तो विद्यालय की जरूरत है ही नहीं, तो ये भी गलत है। अब आता है नेक्स्ट, व्यवस्था फेल है, बिल्कुल व्यवस्था फेल ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय की एक हर गतिविधि आता है, शिक्षक आते हैं, पुस्तक आता है, वहाँ के वर्ग संचालन, स्कूल की जो भी गतिविधियाँ हैं सभी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि बच्चा अगर फेल कर रहा है इसका मतलब जो है व्यवस्था फेल कर रहा है। व्यवस्था फेल करने का मतलब होता है विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, पढ़ाई में शिक्षक भी आएंगे, पुस्तक भी आएंगे, हर एक सामग्री आएंगे, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी इसमें समाहित होंगे, यानी कि सभी चीज़ जो है जिम्मेवार है बच्चे के फेल होने में, तो इसका राइट आंसर जो है चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये जो है जॉन डीबी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, यानी कि इनका कहना है कि बच्चों को मुख्य बिंदु मानकर अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं उसके आधार पे अगर हम शिक्षा देते हैं तो बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का निर्माण जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे की जो रुचि है
जो इच्छा है वही पढ़ाई जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दो होगा, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा, ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बिल्कुल समावेशी शिक्षा दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, यहीं पर इसका राइट आंसर है, दो आंसर है। समावेशी शिक्षा में समान वर्ग के बच्चों के साथ साथ विशेष वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पे जाति धर्म किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है, सभी वर्गों के बच्चों को यहाँ पे एक साथ एक कक्षा में बैठा कर शिक्षा दिया जाता है, चाहे वो सक्षम बच्चा हो या अक्षम या अक्षमता वाले बालक हो, सभी को एक कक्षा में बैठा कर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। यानी कि विविधता का उत्सव मनाना, विविधता ही समावेशी है। समावेशी में सभी प्रकार के होंगे, यहाँ विविधता की बात कही गई है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है दो होगा, ऑप्शन तीन नहीं होगा कि यहाँ पे कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो ये होगा नहीं, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर जो है इसका दो ही है। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें हम लोग टिक लगाते हैं एक प्रकार का, वो आता है, और एक आता है सत असत करने वाला। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो हो गया जो आप अभी सोल्व कर रहे हैं, ये तो वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न है, यही तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, नहीं ये सब गलत है, और यहाँ पर सत और असत वाला जो प्रश्न होता है, उत्तर होता है, ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है जो आप अभी सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम आपको बताए हैं कि प्रगतिशील शिक्षा जो है जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। और ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये होती है कि आप जो है बच्चे के अनुसार अपने टीचिंग व्यवस्था, उनके रुचि के अनुसार हर एक काम की जाए, यानी कि बच्चा को सर्वोपरि यहाँ पर जॉन डीवी मानते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। और इसीलिए कहा गया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों को केंद्रित करके पढ़ाना, यानी कि समय सारणी जो है आप जो निर्माण करेंगे बच्चे के अनुसार करेंगे। यानी कि आप देखते होंगे कि जो अभी क्लास जो चलती है प्राइवेट स्कूल सब में, तो बड़े और छोटे के लिए जो समय सारणी होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि वो NCF का पालन कर रहे होते हैं। और बैठने की लचीलापन, यानी कि बच्चे जो हैं कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं जहां उनकी इच्छा हो। लचीलापन का मतलब होता है इसमें परिवर्तन किया जा सके, चाहे सिलेबस हो, शिक्षक को पढ़ाने की तरीका हो, या समय सारणी हो, ये सब। और एक दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऑप्शन में केवल वर्ड लिखा हुआ हो, या एकमात्र तरीका लिखा हुआ हो, या सिर्फ एक तरीका से हम पढ़ सकते हैं, तो वो ऑप्शन कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, अच्छे प्राप्त अंक प्राप्त करने पर बल नहीं देना है, लेकिन अच्छे ज्ञान प्राप्त करने पर बल हमें देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो आप लोग दोस्तों पहले यहाँ यह देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया है, इसको पहले याद करेंगे। और जीन पियाजे ने विकास के चार अवस्था दिए हैं, जिसमें से पहला अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था है, जिसका दूसरा नाम संवेदी प्रेरक अवस्था है, और इसकी आयु सीमा जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रही है अवस्था, तो यहाँ पर जो है अनुकरण
स्मृति और मानसिक निरूपण के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। इस पे मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। जीन प्याजे के स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है जीन प्याजे पर। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, और इनका कहना है कि बच्चों में अगर नैतिक विकास करनी है तो उनको आप कहानी सुनाइए, समाज की जो मुद्दे हैं, जो बच्चे दिन प्रतिदिन अपने परिवार में समाज में जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन सभी पर डिबेट करिए, तब जाके बच्चों में ज्ञान का विकास हो पाएगा, नैतिक विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर तो ये हो ही नहीं, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं है, व्यवहारिक आर को स्पष्ट नियम बनाकर, तो नियम बनाने से नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तब जाकर नैतिक विकास बच्चों में होगा। इसलिए राइट आंसर जो है इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर छोटे बच्चे जो हैं कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो उनका ज्ञान का निर्माण ज़्यादा होगा, ज़्यादा सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो बनता है राइट आंसर वो है 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा। लंबा जो है वीडियो जो है थोड़ा लंबा होते जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को घबराए नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को बच्चों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सहयोगात्मक विचार व्यवहार उनके बच्चों के साथ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है 2 है, बच्चों की नियुक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने की प्रस्ताव देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा 2 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करती है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो क्या संकेत कर रहे हैं। तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर तो ऐसा है नहीं, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर जो होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। बच्चे जो हैं त्रुटि कर रहे हैं यानी कि बार बार उस काम को करेंगे तो उनमें सुधार आ जाएगी, यानी कि थॉर्नडाइक का नियम यहाँ पर पालन कर रहा है। जो बिल आंसर होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, बच्चे जो है बार बार अभ्यास करेंगे तो उनकी ज्ञान जो होगी अस्थायी होगी और वो जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो है समस्या के प्रति जागरूक परिणाम है। तो मानव का व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का विकास जो होता है उसका मुख्य वजह आपका परिवार, पड़ोस और आपका अनुवांशिक गुण भी आपको प्रभावित करता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, यानी कि दोनों जो है जिम्मेवार है मानव के व्यक्तित्व विकास में। क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होंगे तो हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की तरीका जो होती है अलग होती है, अपने अलग तरीके से सीखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन दोस्तों देख सकता है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, कोई जोर जोर से बोलकर पढ़ता है, कोई समूह चर्चा से पढ़ता है, कोई एकांत में बैठ के पढ़ता है, तो बच्चे की पढ़ने की शैली अलग अलग होती है। तो जब भी अधिगम आप
करें या बच्चों से करवाएं, तो आप व्यक्तिगत भिन्नता को विशेष ध्यान में रखकर ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, व्यावसायिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और अनुभविक। तो बच्चे जो है अनुभव के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, कुछ काम को करके जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तब जाकर उनका ज्ञान जो है निर्माण होगा, विकास कर पाएगा ज्ञान का। तो यहाँ जो है अनुभव के आधार को सबसे अधिक बल देना है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क बच्चों से करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तब यह इस बात का संकेत करता है कि, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बालक जो है उसी काम को बार बार कर रहा है जिसके कारण वह उब चुका है, वो नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दो होगा, बच्चे बुद्धिमान नहीं है, ये बात गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, हर बच्चे में सीखने की योग्यता होती है, पर राइट आंसर जो है दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो समाजीकरण का मतलब होता है समाज के नियमों को पालन करना, समाज में अनुकूलित होना, समाज के बातों को मानना, समाज में समायोजित होना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है चार है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका राइट आंसर चार है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल सभी स्तर जो है विकास की अंतः संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सभी की विकास दर समान नहीं है, बिल्कुल यही राइट आंसर है, सभी का विकास दर अलग अलग है। कोई जल्दी विकसित हो जाता है, जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन क्रम वही होता है, ठीक ना? तो यहाँ पर दर समान नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका दो होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा चार होगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना यानी कि समझ को सीखते हैं, यह उपागम डैश पर आधारित है। तो यहाँ पर एक शिक्षिका जो है प्रैक्टिकली कर रही है और जो पूर्व में ज्ञान है उसको जोड़ते हुए शिक्षिका जो है प्रत्यक्ष चीज़ों को जो सिखा रही है उसको उनके बच्चों के समक्ष रखती है, यानी कि बच्चों को अनुभव करा रही है, सिखा रही है, जो कि एक बेहतर तरीका है सिखाने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षिका जो है बच्चों के ज्ञान का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा एक होगा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों देख सकते हैं, जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जीन प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत का पहला जो संवेदी प्रेरक अवस्था है इससे ये जुड़ा हुआ है। तो अगर आप जीन प्याजे को समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे इसका राइट आंसर देखा जाए तो संवेगात्मक दुश्चिंता, यानी कि बच्चा का लगाव जो होता है मैक्सिमम अपने माता के साथ होता है, वो अधिकांश समय अपने मम्मी के साथ व्यतीत करता है, तो उनका जो संवेगात्मक लगाव माँ और बच्चे के बीच में हो जाती है। जैसे ही वो बच्चा जो अपनी माँ से अलग होता है तो उसमें वियोग पैदा होता है, बच्चा जो है रोने लगता है। तो इसका राइट आंसर जो है तीन है। तो दोस्तों अगर
आप लोग जीन प्याजे के बारे में नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक जो है नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है, आप लोग इसको उसके बाद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसको दबाइए, और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।